देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नगर पंचायत बढ़ने में गंदगी जगह जगह देखने को मिल रही है। सीमावर्ती नेपाल से सटी इस नगर पंचायत की नालियों में गंदगी व पानी की निकासी न होने से जल जमाव देखने को मिला। बढ़नी बाजार में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। यहाँ के नेता गंदगी पर ध्यान न देकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और सफाई पर सिर्फ जुबानी जंग और अधिकारियों की लापरवाही बताकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। अगर समय से पहले नाले व गंदगी सफाई नहीं हुई तो जानलेवा बीमारी कब अपने पांव पसार ले कुछ कहा नहीं जा सकता। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। बड़ी सोचने की विषय है जो यहाँ की नालियाँ भरी पड़ी हुई है, हमारे नगर पंचायत के कार्यकाल में हो रहा है। उनको ये चाहिए कि हमारे बढ़नी नगर पंचायत को साफ सुथरा बनाने के लिए वो अथक प्रयास करें, जो उनसे नहीं हो पा रहा। अब यहाँ की जनता को ये सोचने का विषय है कि इसको इससे निजात पाने के लिए क्या किया जाए, या तो धरना प्रदर्शन किया जाए इस नाली के विरुद्ध स्वच्छ अभियान के लिए, या तो फिर कुछ ना कुछ तो भाई सोचना पड़ेगा ही साफ सफाई के लिए। देखिए भाई साहब, ये बढ़नी नगर पंचायत बहुत ही महत्वपूर्ण नगर पंचायत हमारे सोहरगंज विधानसभा का है और ये बढ़नी कृष्णा नगर इंटरनेशनल प्लेस है। जब यहाँ से जिम्मेदारी हमको मिली है आदरणीय महानुभावों ने यहाँ जब हमें मौका दिया है, तो हमने इसके साफ सफाई के लिए, व्यवस्था के लिए, सुंदरीकरण के लिए, नगर विकास में यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत कराया है अपने स्तर से। बीच में तब तक नगर पंचायत का चुनाव आ गया। नगर पंचायत के चुनाव आने पर पूर्व में जो व्यवस्थाएं थी, हमसे पूर्व में थी, जो चेयरमैन थे, ईओ थे, वो इस हाल को बदहाल कर दी। इसकी दशा, इस नगर पंचायत की दशा एकदम बिल्कुल दयनीय कर दिया उन लोगों ने। सिर्फ लूट खसोट मचाया। चुनावी समर में रिजल्ट परिणाम आया तो दूसरे नए चेयरमैन हुए, और अभी हाल ही में ईओ की तैनाती यहाँ नहीं थी। मुझे लगता है कि ईओ की कुछ कमी थी। हमने मांगा भी था माननीय खन्ना साहब, जो हमारे नगर विकास मंत्री हैं, मैंने उनसे निवेदन किया था, लिख के दिया भी हूँ कि यहाँ ईओ है नहीं हमारे दोनों सोहरगढ़ में और बढ़नी में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इधर जो है व्यवस्था करा करके, कुछ कमी है ईओ की और पेमेंट हो रहा है तो मैं भेजूँगा। तब तक अतिरिक्त चार्ज में, एडिशनल चार्ज पे डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर वाले ईओ को लगा दिया उन्होंने, लेकिन अतिरिक्त चार्ज में मुझे लगा कि लापरवाही उन सबने बीच में किया। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।